आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र जैन के पक्ष में प्रेस वार्ता की जा रही, क्या कुछ कहना है सुने। बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने फर्जी केस आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। सिर्फ 2020 तक, बाकी तो मेरे पास पिछले दो साल का आंकड़ा भी नहीं है, पर जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 में और 2012 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 140 से ज्यादा केस हुए हैं केंद्र सरकार की एजेंसीज पे के द्वारा। हमारे 52 एमएलए पर केस हुए हैं। सीबीआई ने सीएम के घर पे रेड किया, सीएम के ऑफिस पे रेड किया, डिप्टी सीएम के घर पे रेड किया, सत्येंद्र जैन जी के घर पे रेड किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलाश गहलोत जी के घर पे जाके रेड की, दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद से गुलाब सिंह जो हमारे मटियाला के एमएलए हैं अहमदाबाद से अरेस्ट किया, दिनेश मोहनिया जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से घसीट के उठा के लेके गए। इतने सालों में चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश करी है आम आदमी पार्टी पे ऐसे फर्जी केस बनाने की, लेकिन आज तक एक भी केस में आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। हर बारी जब ये केस फाइनली कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सीबीआई को फटकार लगाई है और कहा है कि बिना सबूत के तुमने ये केस कैसे किया, बिना सबूत के तुमने ये अरेस्ट कैसे किया। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को कहना चाहती हूं कि हम आपके इन फर्जी केस से डरने वाले नहीं हैं। और आज दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि जो देश में एक ईमानदार सरकार है, जो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, अच्छी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम कर रही है, आप उसी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके इन्हीं केसेस की वजह से आम आदमी पार्टी एक बारी 67 और एक बारी 62 सीटें लेके आई है। आप हम पे केस करते रहिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजते रहिए। मेरा वादा है कि इसका नतीजा यही होगा कि हर इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आम लोग हमें चिता के भेजेंगे।